मेरे आने का मकसद है क्या है, दौलत है शोहरत है, बस एक रिश्ता चाहिए। आगे मेरी बहुत कदम अच्छा देख रहे हैं, इतने लोग खड़े हुए मेरी बहुत कदम अच्छा देख रहे हैं। अरे मैं डायलॉग बोल रहा था, अच्छा लीग मैच इंडिया से कितना बुरी तरह हारे, बहुत बुरी तकरीबन, फाइनल हमने उतनी ही बुरी तरह जीत गए। तो आप सोचो सत्य का भाव जब पलटा होगा तो गरीब आदमी करोड़पति रोड़पति हो गया, रोड़पति करोड़पति हो, ये है स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी टीम। हेलो एंड वेलकम टू द शो, वेलकम टू हशमत की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हशमत मेरा नाम है और काम तो आप मेरा जानते हैं। नाजिन जैसा कि आप देखा कि किस तरह अलमन मैक्सबार ने नेदरलैंड के सारे बर्तन धोए, किसी बर्तन में चिकनाई का कोई दाग नहीं बचा, क्या न्यारी क्या कौरमा क्या पाए है भाई, इस तरह रगड़ रगड़ के धोया है कि बर्तनों से टन टन की आवाज़ आ रही। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन के बड़े मार्जिन से हरा कर नेदरलैंड को एक और तारीख रकम कर दी है वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल में इससे पहले इतने बड़े मार्जिन से कभी किसी को शिकस्त नहीं। इसी खेल पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नाम, क्रिकेट और सियासत दोनों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन वैसे इनका ताल्लुक एक्टिंग से है, बहुत मशहूर एक्टर है, आप इनको पहचान जाएंगे, मैं नाम लूंगा, इस्तकबाल कीजिएगा जनाब नाना पाटेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे मेरी बहुत कदम अच्छा देख रहे हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं मेरी बहुत कदम अच्छा देख रहे हैं। अरे मैं डायलॉग बोल रहा था, असल में ये डायलॉग आपके लिए बनता है, आपके देश के लिए बनता है। कैसे? क्या आगे मेरी बहुत कदम अच्छा देख रहे हैं। याद है जब ग्राउंड में घुसते हैं तो इस नियत से घुसते हैं, ये लोग सब इनका तमाशा देख रहे हैं। कलम अली भाई सही बोलती थी, इनके अंदर दमखम नहीं है। कलम अली भाई इतनी बड़ी बड़ी कलमे थी, कलम अली भाई थी वो खातून, लेकिन उसकी कलमे इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन सही कहती थी। अच्छा वो पेन वाली भाई नहीं थी, हम समझे पेन वाली भाई है, कलम वाली भाई। अरे वो इतनी बड़ी बड़ी कलमे है उसकी, वो कलम वाली भाई है कहाँ से, उसको कलम थोड़ी बोलते, उसको तो पैर बोलते हैं। ठीक बात है। तो नाना आइए बताइए, मैं नाना बन गया हूँ नाना पहले। नाना ये बताएं आप पहले आदमी होंगे जो लड़कपन में ही नाना बन गए होंगे, है ना। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया ने जादू वादू करवाया, ये दूसरी टीम है जो 399 के पास पहुंच कर रुक गई है भाई, एक रन और बनता तो 400 का आंसर क्रॉस हो जाता, क्या वजह है कि 400 नहीं बन पा रहे। मेरे हिसाब से अंपायर की गलती है भाई, बंदी भी कोई नाम की चीज होती है, एक रन अगर दे देंगे तो कौन से कीड़े पड़ जाएंगे, दूसरे दिन दूसरी टीम 309 से हार रही है तो 310 भी हो जाए, क्या घंटा फर्क पड़ेगा उनको। ₹99 बन रहे हैं अंपायर को, एक ग्रेवी में दे देना चाहिए। आप समझ नहीं रहे ना, ये आप अपनी बल्ली अंपायर पर डाल रहे हैं, ये रन तो इंडिया की वजह से रुक रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडिया ने कोई ऐसा जादू टोना कराया है, बैट्समैन चाहते तो बना लेते 400। अरे घंटा जादू कराया हुआ है, विकेट घटिया है, खिलाड़ियों में दमखम है जब ही कर रहा है। अगर यही टीम पाकिस्तान की होती है ये बड़ा तो 200 क्या 250 रन नहीं बन पाए। ये आपने मेरी दुपट्टी रख पे हाथ रख दिया, ये देखिए एक ये वो ली है मैक्सवेल ने, एक ही ओवर में 30 रन या 28 रन मार दिया उसको, उससे खेला नहीं जा रहा इन लोगों से, कम नहीं है, इश्तिहार करवा लो, जिंगर के ऐड करवा लो, बैंक के ऐड करवा लो, इन्वर्टर के। अरे मैं बता रहा हूं लाला, आप हिंदुस्तान से मैं पाकिस्तान से, मुझे होना है। अरे आपका जमीर मर गया है, मेरे देश में होती ना ऐसी टीम, यकीन करो रोड पे खड़ा होकर गोलियां चला देता, फिर लोग मुझे बोलते हाँ तू जज्बाती है, क्या करूं तुम लोगों से परफॉर्म नहीं होता। नाजिन नाना पाटेकर जो है वो जज्बाती हो रहा है, मेरे ख्याल में एक ग्लास पानी लिया इनको या कोई डिस्प्लिन की गोली वोली दे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नाना रिलैक्स रिलैक्स, नाना रिलैक्स रिलैक्स। मैं कह रहा था देखिए मैक्सवेल पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नहीं थे, अचानक से फॉर्म में आते हैं और 40 बॉल पे 100 कर देते हैं, ये कैसी अनहोनी है, हमारे किसी खिलाड़ी को इस तरह फॉर्म में आते हुए हमने कभी नहीं देखा। ये गैरत की बात होती है, लोगों ने बोला बहुत बोला मैक्सवेल तेरा ये तकरीबन मुमकिन है आखिरी वर्ल्ड कप है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं करेगा तो क्या मुंह दिखाएगा पूरे देश को। ये मोटिवेशन चाहिए होती है। बिल्कुल। आपके खिलाड़ियों में दमी नहीं है, वो बोलते कोई बात नहीं अभी तो हम यंग हैं, अगले वर्ल्ड कप में कर देंगे परफॉर्म। अरे जिंदगी मौत का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है, आज करना है जो आज करना है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि 40 हमारा जो था ओपनर इमाम उधर ऑस्ट्रेलिया का इमाम का नाम नहीं ले रहा, इमामुल हक के बारे में कहूँगा मैं आपसे। इमामुल हक जो है उस 60-70-50 करके उसकी बस हो जाती है, उधर वार्नर 100 कर दिया। इमामुल हक के बारे में ये कहूँगा मैं, उसका कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रहा है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हम जो है वो प्रोटीन का कार्ब्स का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम छक्के मार सके, ये कैसी बात है, मतलब उनमें दमखम है ही नहीं। नहीं बिल्कुल, रोहित शर्मा जो है वो वेजिटेरियन है और वो मारते इतने लंबे लंबे छक्के, ये वार्नर इतना सा है, इतना सा 4 फुटिया कहीं का, इतने लंबे लंबे छक्के मारता है,
चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लिया हम 2017 का। कब तक गिनवाओगे? अरे नहीं, उससे पहले मैं आपको एक तरतीब समझा रहा हूँ। अच्छा। हम लीग मैच इंडिया से कितना बुरी तरह हारे, बहुत बुरी तकरीबन, फाइनल हमने उतनी बुरी तरह जीत गए। तो आप सोचो, सत्ते का भाव जब पलटा होगा तो गरीब आदमी करोड़पति रोडपति होगी और रोडपति करोड़पति होगी। अच्छा। ये है स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी टीम की। अच्छा। हाँ। ये अभी T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों ने लगा दिए थे दाव के भाई पाकिस्तान तो कट गया, अब वहां से फाइनल में आ गया। फाइनल में आ गया, बताएं आप जरा। अब फाइनल में आके किस तरह से परफॉर्म किया वो भी आपने देखा। अभी सुना है कि हमारी टीम में फूट पड़ गई है, रिजवान, शाहीन, बाबर एक ग्रुपिंग का शिकार हो गई, ट्रैकर टूट गया है एक दूसरे के खिलाफ, सुना हाथापाई तक हो गई, गिरफ्तार पकड़ लिया इमाम का शाहीन ने, ये सच है? इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पकड़ा है तो बिल्कुल ठीक पकड़ा है, क्योंकि असल कल्प्रिट जो है वो इमाम है। इमाम है मुझे लगता है। अच्छा। हम कहते थे उसको पर्ची, मैंने बहुत डिफेंड किया है इसको, अरे इतना इतना ट्वीट किया है, इसके बारे में तारीफ की है, इमाम बहुत अच्छा। आपको पता है इमाम की अपनी ग्राउंड मैच देखने नहीं जाती, अगर इमाम खेल रहा पर्ची पर्ची की आवाज़ आती है उनका दिल दुखता है। अब आप बताए, पर्ची पर्ची नहीं देना, आप डायरेक्ट गाली दो इमाम को। हाँ, पर्ची वर्ची से तो काम नहीं चलेगा, अम्मी का दिल दुख रहा है, अम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब ये जो आपके नए नए खिलाड़ी हैं उसामा मीर ने तो जो सरप्राइज किया है, तो अगली टीम को क्या करता, अपनी टीम को सरप्राइज। अभी लंदन ने इतना सरप्राइज नहीं किया था। हाँ। ये उसामा मीर के बारे में बोला था, पूरे देश में आपको उसामा मीर और शादाब और नवाज के अलावा कोई स्पिनर नहीं मिला। नहीं, अबरार है, अबरार रिजर्व के तौर पर है। अबे रिजर्व का क्या अचार डालोगे जब पूरा वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा? अरे तो बॉलर ही नहीं है, आईसीसी वाले नहीं है। आईसीसी ने मुश्किल रूल रखा है ना, आईसीसी ने बोला है कि जब कोई इंजर्ड होगा तो दूसरे। अरे तो तोड़ो ना टांग फकर जबान की क्यों? अरे तो इसीलिए ड्रेसिंग रूम में लड़े थे ना, कि किसी का टांग वांग टूट गया, लेकिन गधे के बच्चे, बीच में किसी ने आके बीच बचाव करा दिया। मुझे बीच बचाव नहीं कराना, अब तक तो टांग वांग टूट जानी चाहिए थी। नहीं, ये देखिए, अभी हमारा पूरा प्लान था ऐसी, हमने पूरी गतिविधि भी हमारी यही थी, लेकिन ये कि खिलाड़ी जो ये बीच में ना, ये बीच बचाव कराने वाले लोगों ने बड़ा माशरा खराब किया है, बिला वजह फट्टा सुलझाने आ जाते, मुझको समझा लो, मैं उसका अरे पर लड़ने दो, लड़ने दो लोग। हाँ। तो वजह होगी उनके पास लड़ने की, हिस्सा होता है। खैर, मरवा दिया उन लोगों ने। अभी आज आगे आगे जो मैचेस हैं, जैसे कि इतवार को आपका मैच है, बल्कि जुम्मे को मैच है, जुम्मे को मैच है हमारा, आपका मैच है साउथ अफ्रीका से। क्या हालत पतली होने वाली है, क्या है? मैं तो सोच सोच के ये कि अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जो है ना, मैं क्या बात चल रही है, साउथ अफ्रीका वाला मैच मैं आपको ऐसी बता सकता हूँ क्या रिजल्ट होगा। पाकिस्तान बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाला है, साउथ अफ्रीका सरप्राइज हो जाएगा। जितनी अच्छी बेहतरीन क्रिकेट पाकिस्तान अंडरडॉग होते हैं, जब भी आप पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम राइट ऑफ कर दें, तब पाकिस्तान निकल कर आता है और पाकिस्तान छा जाता है। अब आप देखिएगा पाकिस्तान किस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा और साउथ अफ्रीका को आउटक्लास कर देगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज में। ये मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया आपको, मैंने एक बात कही आपसे, बीइंग पाकिस्तानी ऐसे मेरे जज्बात है, मैं ऐसा सोच तो सकता हूँ नाना, ऐसे तो सोचने में कोई कबारत नहीं है, लेकिन हकीकत से सबको दूर दूर तक ताल्लुक रहेगा। तो आपको लगता है साउथ अफ्रीका में मार देगा? जाहिर सी बात है, हम लोहे के चने साबित होंगे, लोहे के चने, दांत टूट जाएंगे हमें चबाने में, समझ में आ रहा? ये ख्याली पुलाव तुम्हारे ख्याल में ही अच्छे लगेंगे, हकीकत से कोई इनका ताल्लुक नहीं है। माँ, आपकी टीम अच्छी होती, नसीब शाह होता, दो तीन हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते हैं, समझ में आता है। नहीं, ये वर्ल्ड कप वैसे मेरे ख्याल से आसिफ अली और इफ्तिखार टाइप बैट्समैन का था। हाँ। आसिफ अली को भी टीम में होना चाहिए था, क्योंकि अगर लाठा चल जाए तो फिर तो भाई गेम ऑन थी है भाई, और सीधी बॉल है, कहीं भी उठा के फेंको, ग्राउंड के चारों तरफ फेंक सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शुरू का पावर प्ले जो होता है वो बड़े अहमियत का हामिल होता है। हाँ। उसमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए होते हैं बॉलर की लाइन ऑन लाइन ख़राब करने के लिए, आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं है। सारे अब्दुल्ला शफीक भी मैंने देखा, रना बॉल वाले बैट्समैन है, ज़्यादा खेलता है, अटैक नहीं कर रहा, ये क्या वजह है? यही तो वजह है कि वो भी अभी नया नया है, सामने से इमाम उल हक बोलता है जरा देख के मार, तो वो भी बेचारा जो कोशिश जो मार रहा होता है उसका इंटेंट था इंडिया के मैच में, मैंने देखा था पांड्या को आगे भर के मारा था, मैंने बोला ये लड़का आगे जाएगा, दम है इसमें, लेकिन वो हार सकता हूँ। देखिए यही तो है, रिस्क के बिना आप स्कोर ही नहीं बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा सकते, और फिर रही जो कसर थी वो बाबर रिजवान ने पूरी कर दी। ये एक रोक रहा है, वो बोला ग्रुप में दो रोकूंगा, तूने दो रोकी, अब मैं तीन रोक के दिखाऊंगा, ये कंपटीशन है क्या है? अभी मैंने एक स्टैट्स देखी तो उसके मुताबिक सबसे ज्यादा डॉट बॉल अब तक हमारे मोहम्मद रिजवान ने खेली। वो तो बस लेग का प्लेयर है, ऑफ का प्लेयर है, क्या है? लेग और ऑफ दोनों तरफ ही हो गया, तो दोनों तरफ का प्लेयर का प्लेयर हो गया ना, इस तरफ खेलते हैं, क्या कहते हैं, ऑन साइड में खेलता, ऑन साइड का, हाँ तो उस तरफ नहीं खेलता। हाँ ना जी, नहीं ये नाना जी ने आपका लेफ्ट, मेरा राइट, आपका इस तरफ कुछ, हाँ ये
सुनील शेट्टी का कैरेक्टर मिक्स कर गए उसके अंदर, वन टू थ्री वाला। लेकिन नाना पाटेकर की क्योंकि क्रिकेटिंग नॉलेज है उतना, फील्ड प्लेसिंग के बारे में ज्ञान है, दौलत है, शोहरत है, बस एक रिश्ता चाहिए। बहुत फनी भाई, बहुत भाई, बहुत अच्छा डायलॉग था आपकी फिल्म, मैंने देखी है। ये डायलॉग नहीं है क्या? मैं असली में अपनी बहन का रिश्ता चाह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, अपनी बहन का रिश्ता? पाकिस्तान में रिश्ता के लिए थोड़ी आऊंगा, पाकिस्तान में आपकी बहन का रिश्ता? असल में तुम्हारा देश बहुत अच्छा है, मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। वो तो फिल्म में मुझे ऐसा करेक्टर दिया जाता है कि मैं बोलता हूँ ये पिस्सू जैसा देश एक सुई नहीं बना सकता, तुम्हारी तुम्हारी जो है नस्लें खराब कर रहा है। ये तो फिल्म में दिखाया जाता है, हालांकि गुलाम मुस्तफा ने मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया था आपको, माशाल्लाह आपने पूरी नमाज पढ़ ली थी। आखिर में थोड़ा मसला हो गया था, ईशा की नमाज में बड़ा मुश्किल हो गया, दुआएं करो नहीं आती, दुआएं करो तो हम फंस जाते हैं, आप कहाँ से पढ़ लेंगे। खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ मौजूद है नाना, ये बताइएगा कि आगे क्या देखते हैं आप? आगे मैं ये देखता हूँ ना, आगे 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 क्या देख रहे हैं, आगे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? टेबल खाली है, कुछ भी नजर नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ना मैच के बारे में बताइए, अगर टेबल पे कुछ नजर, आप ये मुझे बताइए कि आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मुझे नहीं पता कल किसका मैच है। कल जो मैच है मेरे ख्याल से, हाँ मैं देख सकता हूँ, क्यों नहीं देख सकता, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ ना, मैं नहीं डरता किसी चीज़ से, मैं हर चीज़ को करने में ना घबराता नहीं हूँ, तभी वजह से लोग मुझे फॉलो करते हैं। क्योंकि कल जो मैच है मेरे ख्याल में टुमारो मैचेस सर्च करना पड़ेगा ना हमें, टुमारो वर्ल्ड कप मैच ये अभी अभी आ गया, ये बस आ गया, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका मैच नंबर 25। हाँ अपनी नियत का एक मुनफरद गेम होगा। क्यों क्यों क्यों, क्या वजह है? वजह ये है कि अगर श्रीलंका, देखिए श्रीलंका की टीम के पास खिलाड़ी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो है उनमें वो क्षमता है कि वो इंग्लैंड को हरा सकते हैं। इंग्लैंड अफगानिस्तान से हरा हुआ है, मैं आपके लिए पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं जरूरत, हमारी देश पहुँच गया है सेमीफाइनल में, पहुँच गया है उसके बाद फाइनल भी खेलेगा, मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ। पाकिस्तान जब तक टूर्नामेंट में रहती है जान बनी रहती है, ये बात आपको पता, अगर पाकिस्तान कट गई तो फिर मज़ा नहीं रहता, रंग फीका रहेगा। हमें मौका चाहिए आपको फाइनल में मारने का, क्योंकि अभी मारने का मज़ा नहीं है, फाइनल में जो आपको ठोकेंगे ना पता लग जाएगा आपको। नहीं नहीं, आप दुआ करेंगे दोबारा हम आपसे टकरे ना, क्योंकि क्या ऐसा होता नहीं है, जब पाकिस्तान दोबारा इंडिया से टकराता है ना किसी टूर्नामेंट में, तो इंडिया को चारों खाने चित कर देता, पहला मैच तो हम टोकन में हारते हैं। ये आपकी खुशफहमी है? नहीं नहीं, खुशफहमी नहीं, ये हमारा रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी देख लिया, एक ही वही गिनवाते रहोगे, वही गिनवाएंगे जो जीते हम गिनवाएंगे, आपके पास क्या है गिनवाने के लिए? ओ टोटल ओडीआई निकाल लें नाजिन, ज़्यादा नंबर ऑफ ओडीआई हमने जीते हुए, इनको ने इतने थोड़ी जीते, वर्ल्ड कप में जीत गए तो क्या हीरो बन गए, चैंपियन बन गए आप? बिला वजह की बातें कर रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड की बात करें, बिला वजह पाकिस्तान पे आ जाते हैं घूम फिर, बचा क्या है, सब कुछ तो बता दिया उसने, वार्नर ने भी 100 बनाया, मैक्स वेल ने भी 100 बनाया। नेदरलैंड को क्या हुआ? नेदरलैंड ने जहाँ साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम को मारा, आज बिल्कुल कोलैप्स कर गई, 100 रन भी नहीं बना सके, क्या वजह? वो असल में समझ रहे थे कि उन्हीं के देश खेल रहा है, और जो पीले में वो फर्क नहीं समझ रहे, अच्छा, 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 अपना देश है, प्रैक्टिस मैच चल रहा है, हल्की बॉलिंग करा रहे थे ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। अच्छा अच्छा, ये मुझे तो ये लगा, कल इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है, इंग्लैंड को भी किसी और ने भी हराया था, मैं हमने साउथ अफ्रीका ने हराया है, इंग्लैंड ने मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने उनको हराया, अफगानिस्तान ने तो हराया, इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने भी हराया इंग्लैंड को। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला, कह रहा हूँ आपसे कि अगर श्रीलंका हरा देता है, क्योंकि श्रीलंका तो वैसे नहीं पहुँचेगा, सही, क्योंकि पाकिस्तान जैसी घटिया टीम ने उसको हरा दिया है, हाँ। श्रीलंका को, तो अगर श्रीलंका अगर इंग्लैंड को हरा देता है तो आपके देश के चांसेस शायद बन सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है इंग्लैंड भी हमारे साथ वाले मैच में ना फॉर्म में आएगा, क्योंकि इंग्लैंड आखिरी नंबर में पहुंच गया है, हाँ। कल मैं देख रहा था आखिरी पे है तकरीबन, अच्छा 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 अच्छा, भिखारियों वाली लाइन में आ गया, कहाँ वो मुल्क जो सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर एंड नाउ ब्रिटिश एम्पायर इज सेट इन द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड कप लिस्ट, है भाई, इनका इजाद है, इनका कौमी खेल है क्रिकेट, और इनका ये हाल है, बताइए आप जरा, है डिफेंडिंग चैंपियन है, ये हाल है, T20 भी जीता हुआ है, T20 के भी चैंपियन है करंट इस वक्त, और डिफेंडिंग चैंपियन है 50 ओवर के वर्ल्ड कप के, और हालत ये है कि बेन स्टोक वाले क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल है भाई, और मुझे लग रहा है लेकिन पाकिस्तान से जो मैच होगा ना वो बड़ा क्रूशल होगा इंग्लैंड का, इंग्लैंड वहाँ कमबैक कर सकता है, ये क्या है, इस पर क्या कहेंगे नाना? मैं यही कहूँगा कि अगर इन्होंने कमबैक किया तो फिर पाकिस्तान को बैक करना पड़ेगा हमेशा, बिल्कुल वैसे ये जहनी तौर पर तैयार हो गई है आपके देश, अभी मुझे पता चला था कि वो शॉपिंग वॉपिंग कर ली है उन्होंने, और घर पे बाकायदा उनकी कन्वर्जेशन भी लीक हो गई है कि वो 12 तारीख को जो है आखिरी मैच उनका 11 को है, 12 को, हाँ 11 को 11 की रात की फ्लाइट भी करानी है उन्होंने, उन्होंने अपने बेगम बच्चों को भी बोल दिया है कि 12 को वापसी है, तैयारी रखो, यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं, होम सिकनेस है ना, फैमिली के बगैर कहाँ इतना दिल लगता है,
हमें क्रिकेट विकेट सब फजूल चीजें हैं, जब फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली कम्स खेल खेल खलियान यही रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नाना, ये रिकॉर्ड सब यही रह जाएगा, आखिर में बचेगी आपकी फैमिली, फैमिली बहुत अच्छी फर्स्ट। भैया क्रिकेट टीम थोड़ी आके खड़ी होगी कबर में है, ये तो अमाल होंगे आपके साथ हैं भाई। क्या बोलते हैं, वैसे काफिरों की इजाद है। हाँ काफिरों का इजाद है खेल खेलने वास्ते, क्या है वो डायलॉग सर, खेलने वाले भी काफिर, खेलने वाले भी काफिर और इजाद करने वाले भी काफिर। ये मराठी में पंजाबी बोल रहे हैं, अजीब हाँ मराठी एक्सेंट के अंदर पंजाबी बोली है नाना पाटेकर साहब ने हमारे साथ। आइए नंबर लीजिए नाना पाटेकर, इनके साथ हमारी गुफ्तगू रही आज के मैच के हवाले से। इसके अलावा आपने ये देखा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, अंदरूनी सियासत देखने और मुख्तियार कर रही है, कप्तानी का ताज किसके सर पर आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जरूरी यह है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाए रखे। उसके लिए जरूरी है कि हम साउथ अफ्रीका को हराएं और बड़े मार्जिन से हराएं, है ना, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो पहले नाना आप साइन ऑफ कर दीजिए, मैं तो आज कहूँगा कि आप मैं ये कहूंगा कि आपके शो में आने का बहुत, मतलब मुझे आने का बहुत अच्छा लगा, आप भी कभी हमारे देश में आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आपको देश में आएंगे, जो ऑडियंस देखने आ रही है उनको वीजा दीजिए, कहाँ से आएंगे हम? अरे बोलने में क्या जा रहा है, स्काइप पे आ जाना, व्हाट्सएप पे आ जाना, किसी तरह हमारे शो पे आए, हमारे शो की शोभा बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर जरूर, जनता से बती यही कहूंगा कि प्रार्थना करें कि आपका देश अच्छी परफॉर्मेंस करे, अच्छी क्रिकेट खेले जो कि नजर नहीं आ रही है। जय जय पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नहीं बोल सकता, बोलना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा देश को हमारे। ये गलत कर रहे हो, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी घाटी में बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रेंडली माहौल है, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप मोदी जी सुन लिया आपने, ये हमने करवा दिया जैसा आपने कहा था, ये मैंने करवा दिया, उसको जला के मार दीजिएगा और मेरे पैसे मुझे पहुंचा दीजिएगा।